तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट्स गेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर आईडी, क्योंकि यहाँ पर यूजर अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एपीआई का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एपीआई क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि गेट प्रोडक्ट एपीआई होगी, गेट प्रोडक्ट एपीआई। ठीक है, तो ये बेसिकली पोस्ट ही होने वाली है, और यहाँ से इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, इतना हमें नीड नहीं है। ठीक है, जो इसके फॉर्म डेटा में जा रहा है मैं यहाँ पर सिंपल जेसन में पास करूंगा। ठीक है, फॉर्मेट जो होगा जेसन में, आप मल्टीपार्ट फॉर्म भी रख सकते हो। पोस्ट एपीआई रहने वाली क्योंकि यहाँ से हम जो है यूजर आईडी सेट करने वाले हैं। तो यूजर आईडी हम यहाँ से सेट मतलब भेजेंगे यहाँ से एपीआई से, यहाँ पर आपकी यूजर आईडी जाएगी। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर रहने वाला है आपकी एपीआई का वो रहेगा आपका गेट प्रोडक्ट्स, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, गेट प्रोडक्ट्स, ये आपकी एपीआई का स्ट्रक्चर हो चुका है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर लाइक मान के चलिए मैं अगर गेट करता हूँ, मैं गेट यूजर्स करता हूँ, तो अभी मेरे पास देख सकते हैं कि कितने यूजर्स आते हैं, चेक कर लेते हैं बेसिकली। तो हाँ, ये आ चुका है एक यूजर, आई थिंक हमारे डेटाबेस में भी इतने ही, हाँ यही इसी यूजर ने हमारे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं गेट प्रोडक्ट्स में भी यही पास कर दूंगा, यही यूजर आईडी जिसके बेस पर हम सारे प्रोडक्ट्स निकालने वाले। ठीक है, ये इसको यार क्या करूं, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एपीआई क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम राउट सेटअप करेंगे अपना। तो मैं प्रोडक्ट राउट बनाऊंगा, सॉरी प्रोडक्ट राउट के अंदर वर्किंग करूंगा, जितने भी मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी राउटिंग होंगी वो मैं इसी के अंदर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं एक नीचे राउट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद मैं प्रोडक्ट राउट को कॉपी कर लेता हूँ, और जैसा कि आपको पता है मैं पोस्ट बनाने वाला हूँ इसको भी, डॉट पोस्ट। एंड देन यहाँ पर हमारा जो राउट क्रिएट होने वाला है, जो राउट का नेम रहेगा वो हमारा रहेगा गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, गेट प्रोडक्ट्स, एंड देन यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर का एक मेथड हम कॉल करेंगे। ये अभी मेथड हमने क्रिएट नहीं किया है फिलहाल में, अभी हम क्या करते हैं क्रिएट ही करते हैं तभी हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आया मैं, यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, const get products, ठीक है, get products करके कर रहा हूँ, जो कि async await का हम यूज करेंगे। request and response आ रहा होगा इसके अंदर, fetch arrow method होगा, try catch का हम यूज करेंगे। अब देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ से इसे पास कर देता हूँ। ठीक है, जो भी एरर मैसेज होगा वो यहाँ से चला जाएगा, और गेट प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर दूंगा, जिससे कि इसे मैं अपनी राउटिंग के अंदर यूज कर पाऊँ। ठीक है, तो अब मैं इसलिए अपने प्रोडक्ट राउट के अंदर आऊंगा और प्रोडक्ट कंट्रोलर के साथ डॉट जैसे लगाऊंगा तो वो मेरे को गेट प्रोडक्ट्स नाम का जो मेथड है वो मेरे को यहाँ पर दे देगा, क्योंकि वो वहां से एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरे को सारे के सारे प्रोडक्ट्स निकालने हैं जो भी उस यूजर आईडी से मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट डॉट फाइंड करूंगा, एंड देन यहाँ पर मैं यूजर आईडी पास करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे यहाँ पर जो है यूजर आईडी नाम की की है। ठीक है, तो जो यूजर आईडी आ रही है वो आपके एपीआई में आ रही है। ठीक है, तो हम उसको कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम गेट कर लेंगे, एंड देन अवेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और लाइक मैं प्रोडक्ट और यहाँ पर एक वेरिएबल, सॉरी मैं डॉलर क्यों लगा रहा हूँ, बेसिकली मैंने लारावेल का यूज कर लिया था, लारावेल की तरह मतलब पीएचपी में यूज करता हूँ ना, ऐसे ही मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, मेरे को यहाँ से इसे सेंड करना है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस को कॉपी कर लेता हूँ, स्टेटस परफेक्ट है हमारा, कोई भी एरर नहीं है, तो 200 दे देंगे, सक्सेस हम ट्रू देंगे क्योंकि कोई भी एरर नहीं है। एंड देन मैसेज में हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट्स डेटा। ठीक है, एंड देन डेटा नाम की हमारी एक की बनने वाली है, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट्स नाम का जो वेरिएबल है वो हम डायरेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने पास कर दिया, एंड देन यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या, सॉरी चेक कर लेते हैं एक बार, हमने बाकी सब सेटअप किया हुआ है, नहीं प्रॉपर सेटअप है, तो अभी एपीआई जो है वर्किंग चलनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमारा सर्वर जो है रीस्टार्ट हो रहा है, चेक करेंगे बेसिकली। 404 नॉट फाउंड, आई थिंक हमने गेट क्रिएट की हुई है का, पोस्ट तो है, तो एक बार हम टर्मिनल को चेक करते हैं। राउट तो सेटअप हो चुका है, सॉरी कैन नॉट पोस्ट क्यों आ रहा है।
आई थिंक ये सेम नहीं था क्या? अभी चेक करते हैं। ये क्यों बोल रहा है प्रोडक्ट्स कैन नॉट एपीआई क्रिएटेड, एपी क्रिएट यूजर क्यों आ रहा है? क्रिएट यूजर कहाँ पर किया हुआ है? गेट प्रोडक्ट्स, ये क्या बवाल है? और ये क्या इसकी यहाँ पर ये क्या चल रहा है? यूजर यूआरएल प्रीव्यू चल रहा है आई थिंक हमने यहाँ पर। हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर हमने ऐसा लगता है कि हमने दो यूआरएल से यहाँ पर अपेंड करा दी है, बेसिकली यहाँ पर गलती हो रही है इसमें। ये जो है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें दो यूआरएल चल रहे हैं, तो इसमें से ये कैसे हटेगा? यूआरएल प्रीव्यू यहाँ पर ये दिखा रहा है। एक बार मैं क्या करता हूँ, सेम मैं क्लोन मतलब किसी का और का बनाता हूँ जिससे कि ये पेज चल पाए, ठीक है? क्योंकि उसमें वो यूआरएल का लोचा पड़ गया, ठीक है? तो गेट प्रोडक्ट्स एपीआई, ठीक है? इसको हम कर देते हैं यहाँ से, इसका मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसमें दो यूआरएल अपेंड हो रहे हैं, वो मैंने क्रिएट यूजर यहाँ पर क्लिक कर दिया था, उस वजह से हो रहा है वो प्रॉब्लम, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये पास, सॉरी गाइस, मैंने यूआरएल में क्यों पास कर दिया, यहाँ पर मैंने पास किया, ठीक है? और यहाँ पर आपका गेट प्रोडक्ट्स था, एंड देन यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। हाँ तो ये यार क्रिएट, हाँ अभी आ चुका, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो अभी इस यूजर से तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? अभी प्रोडक्ट में जो डेटा था वो एम्प्टी आया है, क्योंकि इस यूजर का कोई प्रोडक्ट ऐड ही नहीं है, ठीक है? मतलब एक ही यूजर था, पर ये यूजर तो हमारा मिलता ही नहीं है। सेम अगर हम चेक करें इस यूजर के साथ, तो इस यूजर के साथ मिलना चाहिए डेटा, ठीक है? तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसमें बस ये यूआरएल का लोचा पड़ गया था, आपने देखा था कि उसमें दो यूआरएल अपेंड हो रहे थे, एक क्रिएट यूजर का, एक गेट प्रोडक्ट्स का, ठीक है? तो यहाँ पर देख पा रहे हो प्रॉपर आ पा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर किसी में इमेज है तो वो आ रही है, और किसी में नहीं है इमेज तो वो आ रही है, ठीक है? तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने एपीआई क्रिएट की। वो बेसिकली यूआरएल का लोचा पड़ गया था, तो इंसोमिनिया में ये लोचा पड़ता है, ठीक है? तो मेरे को पता नहीं था यूआरएल में शो नहीं हो रहा था, पर क्वेरी में मेरे को पता चला, ठीक है? तो अभी यहाँ पर एक ही यूआरएल है, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिलीट देखेंगे फिर अपडेट। सो थैंक यू।